नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं। आज सभी भारतवासी के लोग 75वां आज़ादी दिवस मनाने के तैयारी में हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए आज़ादी का और खुशखबरी है। और साथ ही साथ ये आज़ादी बहुत सारे लोगों के लिए श्राप बना था, क्योंकि ये आज़ादी के कारण बहुत सारे लोग आज भी अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इधर अपने भारत के प्रधानमंत्री सभी लोगों को ये अनुरोध कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा लहराया जाए। लेकिन भारत में रहने वाले हिस्सा के लोग, जहां अरुणाचल प्रदेश, वहां पर चकमा और हजंग लोग आज 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए जो वहां पर बचे हुए, लेकिन उन सभी लोगों को कोई भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कारण ये हुआ, 75वां आज़ादी दिवस के दिन भी ये लोग अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके हाथों में तिरंगा होते हुए भी आज अरुणाचल में उनको भारतवासी कोई मानने को तैयार नहीं है, और उनके साथ में 60 सालों से भेदभाव होता आ रहा है। उनके जितने भी शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी अधिकार हैं, सरकार ने कानूनी तौर पर छीन लिया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले छात्र संगठन ने चकमा और हजंग समुदाय को मिलने वाले शैक्षणिक और आर्थिक अधिकारों का जो है उन्होंने पुरजोर विरोध किया, और सरकार को बाकायदा उन्होंने धमकी भी दिए कि अगर उनके अधिकार छीना नहीं जाए तो वो आंदोलन करेंगे। तो उसका परिणाम ये हुआ, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चकमा और हजंग लोगों को जो भी प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे वो सब छीन लिया गया। तो आज सभी चकमा और हजंग के लोग आगे जाकर उच्च शिक्षा और कहीं जाकर अपना जॉब कार्य नहीं कर सकते। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज़ादी के 75 दिवस जो लोग मनाने को तैयारी कर रहे, वहीं पर आज चकमा और हजंग समुदाय के लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए रास्ते पर आकर उसका मांग कर रहे और उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो युवा लोग हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं है, और प्रमाण पत्र यदि आज किसी के पास नहीं है वो जिंदा होते हुए मुर्दा के समान है। चकमा और हजंग लोगों को जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, RPC रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, जिसके तहत चकमा और हजंग समुदाय के छात्र और क्षत्रिय उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाते हैं, और जिनको जॉब का या कार्य का आवश्यकता हो तो बाहर जाके कार्य करते। लेकिन अरुणाचल प्रदेश छात्र संगठन ने चकमा और हजंग लोगों को दिए जा रहे इन सभी अधिकारों को पूर्ण जोर से विरोध किया, और सरकार उन्हें अधिकार देने से रोका हुआ है। तो परिणाम ये हुआ कि आज चकमा और हजंग समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये सभी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं जिनको नौकरी नहीं दिया जा रहा। नौकरी तो है लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार इस प्रकार से आज 60 सालों से 6 पीढ़ियों से चकमा और हजंग समुदाय के साथ इस प्रकार के जो है बदसुलूकी और उनके साथ अन्याय कर रहा है। चकमा और हजंग समुदाय की वे लोग हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वहां पर रहने वाले समुदाय की अनुमति के साथ वहां पर बचाया गया था, लेकिन गंदे राजनीति के चलते आज उनसे सभी प्रकार के अधिकारों को छीन लिया गया। तो आप देख सकते हैं, बिना सरकार के समर्थन से आज 60 साल हो चुके हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से जो कुछ भी अधिकार मिला हुआ है, उन सभी अधिकारों को भी अरुणाचल प्रदेश के सरकार, वहां के छात्र संगठन और वहां का जो जनता है, सभी लोग छीनने में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत आज 75वां आज़ादी दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ हिस्सा के लोग आज भी अपना शिक्षण और जो है आर्थिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग भारतीय होते हुए भी इनको कोई भारतीय मानने को तैयार नहीं है। इनके साथ रिफ्यूजी से, शरणार्थी से भी ज़्यादा बदतर जो है बदसुलूक किया जा रहा है। भारत सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ पर रहने वाले बुद्धिजीवी लोग और भारत के मीडिया, उन्होंने इस चकमा और हजंग मुद्दे की ओर भी ध्यान देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसको समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दा इस प्रकार आगे चल रहा है जो आगे जाकर कैंसर या बड़ा जो है बीमारी का रूप ले सकते हैं।
भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपना अपना मौलिक अधिकार मिलता है, जैसे शिक्षा, रोजगार मतलब जीवन यापन का साधन, ये सभी लोगों के लिए मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों को कोई भी किसी व्यक्ति से नहीं छीन सकता, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश सरकार और वहां पर रहने वाले छात्र संगठन चकमा और हाजंग लोगों को कानूनी माध्यम से, राजनीति के माध्यम से अपने स्वार्थ के लिए उनके ऊपर इस प्रकार जुल्म किया जा रहा है। तो परिणाम ये हुआ कि आज चकमा और हाजंग समुदाय के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी सड़क पर उतर आए और अपने अधिकारों का मांग कर रहे। जो अधिकार आरपीसी वो मांग कर रहे, उस अधिकारों से अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को, चकमा और हाजंग समुदाय के लोगों का उन्नति देखा नहीं जा रहा, इसलिए उनके अधिकारों को छीनने में सभी लोग लगे हुए हैं। इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं उन सभी लोगों से यही अनुरोध है, चकमा और हाजंग समुदाय के लोगों की जो आवाज को जो है बुलंद करें, उसके अधिकार प्राप्त कराने के लिए आप भी जो है आगे आए, इस पर जो है इधर उधर चर्चा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जरा ए प्रोटेक्शन जेने जे मिल लंदोई अरब बोला बोल ददन मुई बैक कुंद्रे निज मन तुन सिद्ध गोल माने फातरु तुरु थारे मुई गोजांगर थारा एक कान भी जगह हमत इत तारा मिलन रही ते आर कान बैक को नतुन सजुली थे वो ते इत अरुणजीत दा थे निजे क्लियर करी दी ए अर्गनाइज कराओ ये प्रोटेस्टान हन अर्गनाइजेशन ए नगरन ते हो एक जन मानुष थे भारन अर्गनाइजेशन थारा क्रेडिट सुर गुरीवार सानसी लाखे अनलाइन सुर जे दोल हम गत सार थारा निजे क्रेडिट निबाते सान ते सनते माने तुम्हार बैक कुंद्र सजुली ए क्रेडिट तान जे बदे अरुणाचल दायन जिक्को इन प्रोटेस्ट सामिल हुईन जे जे मिलन दई थारा दुजे बदे थारा जेने जे इन सक्सेस अलदे इत हन अर्गनाइजेशन निजे निजे गाय गाय नगर है इन बोले बैक को पब्लिक को मिली नहीं माने अर्गनाइज गुच्छन दे हन अर्गनाइजेशन और नय सत्ते क्रेडिट सुरु नतुन माने तुम्हें केयरफुल उड़ी थको अरुणजीत दा ही हुई से तुम दले दाले सुनो Hono Sangmar Social Organization CBOs NGO Tapatan Purana Hor Yeni ke yen gotone ola dai amar ei ye mujoge ni ona ka uche bhuni thara uddog hai thara ini sidhi bhi hai eche ye gaan gora sakte hai tai anya gorna uddesh ola dai hi jate ami back kun irrespective of amar organizational affiliation hone hono yot siar diune hono siar se bine yot hono apak sune हनो हाजंग स्थानीय यूनियन है हनो महिला समिति है एचे हमें यो बना रिप्रेजेंट गुरु होंगे संगमा जातु संगमा और हाजंग जातु हमें रिप्रेजेंट गुरु होंगे पापा हमें यो हमार होवाला नहीं हमार ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने हमें हनो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट नौकरी हमें रिप्रेजेंट गुरु थे संगमा जातु সাংমা জাদর একতাগান সাংমা জাদর সাংমা হাজং জাদর ইউনিটি এর আমি এইচে রিপ্রেজেন্ট করতে তাই ইয়ন হন না সিগেল আমারে হারাম না বেলো পাপে লাগ মা বললো ইয়ন আমার সিগেল দে আলাদা এই এ আমাল মুসলিম ইন্ডিয়া মানে গুরু বেউনি এ গাবচুনে এ একটি গান আমার সিগেল লাগেছি আমি তো নলে বাবা অতা হিনা দে এ গ্রুপ অতা ও গ্রুপ कम लगे खूब खुशी दिन हमारे तीन घंटा आड़ घंटा ते समय फेये देखियो बहुत दल होता है मुई आरो एकन फसुली गुरु आमी मुई फरंदी आमार एम ए माइको आमार फॉर्मली उदयन गमुरे गोजिदि फरंदी ता फरंदी एक करी करीबो से आगे दी मुई एकन करे अनाउंसमेंट करी दिसा आमी एचे यो हन पॉलिटिकल प्रधान हो हन हिना दे आमार अमा बिद्रे जेनी फातो को आगे सेनी से उदा न हो दोंगे छी
এতে মানে আমি চাতুর এক কথা কথা বলে মানে আমি জ্ঞান দিব না আর বেশি আমি